देखो पॉइंट नंबर वन, कोन मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन के अंदर आपको यह बताना है कि इस कोन को कितने ओमेगा के साथ घुमाएंगे ताकि जो इंसेक्ट है वो पहले यहां पर था उठ के यहां पे आ जाए, और कितने सर्कल में घूमे, इतने सर्कल में घूमे बस, ये इसका सर्कल है। वैसे तो इसका रेडियस बहुत बड़ा होगा पर आपको सिर्फ ये गिवन है, कोई डाउट है इसमें? अब इस केस में आपको ये हाइट एच गिवन है, ये हाइट की यहां से लेके यहां तक की हाइट गिवन है, इतनी हाइट पर घूमे। अब अगर आप फोर्सेस की बात करते हो तो कौन कौन सी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करेंगी, इसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर वन, क्या एक्ट करेगा इस पे, इसका वेट। मान लो यहां पर है तो इसका वेट कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो पहला स्टेप सबने ये ड्रॉ किया किया। अगर इंसेक्ट यहां पे होता तो इतना रेडियस है, अगर नीचे होता तो कम रेडियस है, और नीचे कम रेडियस है, और ऊपर ज्यादा रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू वेरी कर रही है, तो मान लो ये रेडियस है आर डैश, और मान लो पूरे कोन का रेडियस है आर, तो आर डैश रेडियस में घूमेगा। नेक्स्ट फोर्स कौन सी ड्रॉ करनी बनती है, हेमिस्फीयर में क्या ड्रॉ किया था, वेट और नॉर्मल रिएक्शन। चलो नॉर्मल रिएक्शन, इस इंसेक्ट का घूमने का सेंटर तो ये बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन यहां पे कहां से पास करेगा, कौन से सेंटर से, ये कोन का सेंटर है। बोलो नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास करेगा, कोन के सेंटर से, हाँ या ना, हाँ या ना, कितने लोग हाँ, कितने लोग ना, कितने लोग पता नहीं, ओके अच्छा बताओ। ये रहा कोन, इंसेक्ट कहता है यार मैंने यहां घूमना ही नहीं है, तो उन तो यार तंग करते हो, मैं तो यहीं रहूंगा। नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास करेगा, इस सरफेस का नॉर्मल तो दोस्त ये हो गया ना, और सेंटर कहां घूम रहा है, ऊपर। कैसे घूमेगा सेंटर से, अगर इंसेक्ट कहता मैं तो यहां घूमूंगा, भाई परपेंडिकुलर देखो तो सही, इमोशनल मत हो कि हमने तो हेमिस्फीयर में तो सेट, हेमिस्फीयर और स्फीयर तो सिमेट्रिकल फिगर्स हैं, उनमें जहां मर्जी ड्रॉ कर लो वो सेंटर से ही जाएगा, कोन में सेंटर से नहीं जाएगा, कोन में सेंटर से नहीं जाएगा। हर का नॉर्मल रिएक्शन चेक करो, अपने ही एंगल पे जा रहा है, कोई सेंटर पे जा नहीं रहा। समझ में आ रहा है, ये कॉमन मिस्टेक है, जो लोग बोल रहे थे सेम आंसर आ रहा है, वो इसलिए सेम आंसर आ रहा था क्योंकि वो ये अज्यूम कर रहे थे कि नॉर्मल रिएक्शन कहां से जा रहा है, सेंटर से। पर समझ में आ रहा है, सिर्फ कोन के अंदर ये सेंटर से जाएगा नहीं। तो अब अगर ये कोन के अंदर सेंटर से नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, जहां मर्जी जाए यार, ये लो ये गया, सेंटर से जाए ना जाए मेरे को क्या लेना देना, ये एन है, बात खत्म। ठीक है यहां तक, अच्छा ठीक है। तो ये देखो अब आपने इसमें क्या करना है, इसके अंदर ये मैंने कुछ ऐसे डॉटेड लाइंस ले ली, परपेंडिकुलर एक्सटेंड कर लिया ऐसे ऐसे, ये लो। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, अगर ये एंगल थीटा तो बोलो ये एंगल कितना, अल्टरनेट एंगल थीटा। आप ये बताओ कि ये ग्रीन लाइन और ये वेट 90 डिग्री पे, तो अगर ये थीटा तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। और आपको ये भी पता है कि ये लाइन और ये रेडियस 90 डिग्री पे, अगर ये 90 माइनस थीटा ये वाला सॉरी ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो नॉर्मल और ये 90 डिग्री पे, तभी तो इसका नाम नॉर्मल है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना थीटा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये वाला एंगल क्या बनेगा थीटा, कोई डाउट इसमें, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, क्योंकि ये और ये आपस में 90 डिग्री पे है। अब नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा और एक टुवर्ड सेंटर जाएगा, सेंटर की तरफ कौन सा जाएगा, एन कॉस थीटा, ऊपर क्या जाएगा, एन साइन थीटा। इक्वेशन बनाए, पहली इक्वेशन एन साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, वेट एम जी, फर्स्ट इक्वेशन। एन कॉस थीटा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो फॉर्मूला बोलो एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इस इंसेक्ट का रेडियस आर नहीं है, आर डैश है। अब आर डैश तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, नीचे राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो, इसमें ये आर डैश है और ये एच है, तो टेन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू दिस आर डैश डिवाइडेड बाई हाइट कितनी एच, तो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई, एच इन टू टेन ऑफ थीटा। तो इस आर डैश को यहां पुट करेंगे तो एन इंटू कॉस थीटा एम इंटू एच इंटू टेन ऑफ थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर,
तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, टू। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो n इंटू साइन थीटा n डिवाइडेड बाई कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई एम एच टेन ऑफ थीटा। m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू g डिवाइडेड बाई h, ओमेगा कहां पर है, ओमेगा स्क्वायर, तो h इंटू टेन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू g डिवाइडेड बाई एच इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाई h टेन स्क्वायर थीटा। और उसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन में मुझे निकालना हो फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, तो एक काम करते हैं हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा की जगह, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एच टेन स्क्वायर थीटा। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी इज द आंसर। ठीक, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ इंसेक्ट रिवॉल्विंग इन अ कोन।